नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पाइडर्स के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप सोच रहे होंगे कि स्पाइडर्स के बारे में क्या ही खास होगा। अरे दोस्तों, ये छोटे छोटे जीव जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं। इनके जाले से लेकर इनके जहर तक हर चीज में कुछ न कुछ ऐसा छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको ले चलेंगे स्पाइडर्स की दुनिया के एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर आपको कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा। बस बने रहिए हमारे साथ। और हां, अगर आप भी मेरी तरह स्पाइडर्स से डरते हैं तो घबराइए मत, इस वीडियो में सिर्फ जानकारी है, डर नहीं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स इस धरती पर कब से हैं? नहीं, अरे यार, ये तो डायनासोर के जमाने से ही घूम रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार स्पाइडर्स का इतिहास लगभग 40 करोड़ साल पुराना है। मतलब जब हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी ठीक से नहीं थे, तब ये स्पाइडर्स इधर उधर जाले बनाकर घूम रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इतने सालों में इनके रूप रंग में ज्यादा बदलाव भी नहीं आया है। मतलब जैसे आज ये दिखते हैं वैसे ही लाखों करोड़ों साल पहले भी दिखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो बड़े ही एडवांस्ड निकले। अरे हाँ दोस्तों, स्पाइडर्स दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनका विकास करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। और इसी विकास के कारण आज ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों या फिर रेगिस्तान। स्पाइडर्स ने हर जगह अपनी जगह बनाई है, और ये सब संभव हुआ है इनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता के कारण। मतलब ये अलग अलग वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं और आराम से रहते हैं। वाह भाई वाह, स्पाइडर्स तुमने तो कमाल कर दिया। अब बात करते हैं स्पाइडर्स के सबसे फेमस आविष्कार की। जी हां, उनके जाले की। दोस्तों, ये जाला कोई मामूली जाला नहीं होता, ये तो एक तरह का इंजीनियरिंग का कमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पाइडर्स का जाला स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इतना पतला सा जाला और इतना मजबूत। ये जाला असल में प्रोटीन से बना होता है जो स्पाइडर अपने शरीर से ही निकालती है, और इस जाले को बनाने में स्पाइडर को सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये जाला तो बड़ा काम का होता है। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, स्पाइडर्स इस जाले का इस्तेमाल कई कामों के लिए करती हैं, जैसे कि शिकार करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, और तो और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी। जी हाँ, कुछ स्पाइडर्स तो अपने जाले का इस्तेमाल गुब्बारे की तरह करती हैं और हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। वाह भाई वाह, स्पाइडर्स तुम तो सच में मल्टी टैलेंटेड हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में स्पाइडर्स की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? अरे, आपकी सोच से भी ज्यादा। दुनिया भर में स्पाइडर्स की लगभग 45,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और हर प्रजाति की अपनी अलग खासियत होती है। जैसे कि कुछ स्पाइडर्स बहुत जहरीली होती हैं, तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्पाइडर्स बहुत बड़ी होती हैं, तो कुछ इतनी छोटी कि आपको दिखाई भी नहीं देंगी। कुछ स्पाइडर्स रंग बिरंगी होती हैं, तो कुछ बिल्कुल साधारण। मतलब कहने का यह है कि स्पाइडर्स की दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही रंग बिरंगी और विविध है। और इन सब में सबसे खास बात यह है कि हर स्पाइडर का अपना एक अलग अंदाज होता है। जैसे कि कुछ स्पाइडर्स बहुत तेज दौड़ती हैं, तो कुछ बहुत ऊंची छलांग लगा सकती हैं। कुछ स्पाइडर्स पानी के अंदर भी रह सकती हैं, तो कुछ रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी आराम से रह सकती हैं। मतलब कहने का यह है कि स्पाइडर्स दिखने में भले ही छोटी हों, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं स्पाइडर्स के खाने पीने की। तो दोस्तों, स्पाइडर्स असल में मांसाहारी होती हैं। मतलब ये सिर्फ कीड़े मकोड़े खाकर ही जिंदा रह सकती हैं, और इन कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए ये अपने जाले का इस्तेमाल करती हैं। जब कोई बेचारा कीड़ा इनके जाले में फंस जाता है, तो ये उसे तुरंत अपने जाले में लपेट लेती हैं और फिर उसे आराम से खा जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि स्पाइडर्स सिर्फ कमजोर कीड़ों को ही अपना शिकार बनाती हैं। अरे नहीं, कुछ स्पाइडर्स तो छिपकलियों, मेंढकों और यहां तक कि छोटे छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना,
ये स्पाइडर्स इतनी खतरनाक होती हैं कि ये अपने शिकार को जिंदा ही खा जाती हैं, और इनके जहर का असर इतना तेज होता है कि कुछ ही देर में उनके शिकार की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी स्पाइडर को देखें तो उसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। तो उसे हल्के में लेने अब हो। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पाइडर्स के सबसे खतरनाक हथियार की। जी हाँ, उनके जहर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सभी स्पाइडर्स जहरीली होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर स्पाइडर्स का जहर इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता है। लेकिन कुछ स्पाइडर्स ऐसी भी होती हैं जिनके जहर से इंसान की मौत भी हो सकती है, जैसे कि ब्लैक विडो स्पाइडर और ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। इन स्पाइडर्स का जहर इतना खतरनाक होता है कि ये कुछ ही घंटों में इंसान की जान ले सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी कोई स्पाइडर काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हाँ, कोशिश करें कि स्पाइडर को भी अपने साथ ले जाएं, ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके कि आपको किस स्पाइडर ने काटा है। इससे आपके इलाज में आसानी होगी। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और स्पाइडर से दूर रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर स्पाइडर्स अकेली रहना पसंद करती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। स्पाइडर्स असल में बहुत ही शर्मीली होती हैं और इन्हें दूसरे जीवों से दूर रहना ही पसंद होता है। ये सिर्फ तभी दूसरे जीवों के पास जाती हैं जब इन्हें खाना ढूंढना होता है या फिर प्रजनन करना होता है। लेकिन कुछ स्पाइडर्स ऐसी भी होती हैं जो समूहों में रहती हैं, जैसे कि सोशल स्पाइडर। ये स्पाइडर्स एक साथ मिलकर जाले बनाती हैं, खाना ढूंढती हैं और अपने बच्चों की देखभाल भी करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ये स्पाइडर्स बहुत ही मिलनसार होती हैं। अरे नहीं, ये स्पाइडर्स सिर्फ इसलिए एक साथ रहती हैं क्योंकि इससे इन्हें जिंदा रहने में मदद मिलती है। मतलब कहने का ये है कि स्पाइडर्स की दुनिया में भी हर कोई अपने आप में मस्त है। दोस्तों, अब तक तो आपने स्पाइडर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स के खून का रंग नीला होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके खून में आयरन की जगह कॉपर पाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स अपनी पुरानी त्वचा उतार देती हैं? जी हाँ, जैसे सांप अपनी कैंचुली उतारते हैं, वैसे ही स्पाइडर्स भी अपनी पुरानी त्वचा उतार देती हैं। और ये सब इसलिए करती हैं ताकि वो स्वस्थ रह सकें और उनका विकास होता रहे। और दोस्तों, एक और मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स अपने जाले को खा भी सकती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब इनका जाला पुराना हो जाता है तो ये उसे खा जाती हैं और फिर से नया जाला बना लेती हैं। वाह भाई वाह, स्पाइडर्स तुम तो सच में अद्भुत हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्पाइडर्स के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्पाइडर्स दिखने में भले ही छोटी और डरावनी लगती हों, लेकिन असल में ये बहुत ही रोचक और अद्भुत जीव हैं। इनकी दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही विविध और रहस्यमयी है। तो अगली बार जब भी आप किसी स्पाइडर को देखें तो उसे डरे नहीं, बल्कि उसके बारे में और जानने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको स्पाइडर्स के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा रोचक लगी। धन्यवाद।